कि अब यहाँ पे बायर्स हावी हो गया है। तो हमारा जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, हमारा यहाँ पे एंट्री होगा रिवर्सल का, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पैटर्न के बारे में जो आपको बता सकता है कब ट्रेंड चेंज होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न से हम मार्केट का रिवर्सल्स को कैसे समझे। दोस्तों जब मार्केट में ना हम रिवर्सल को फाइंड कर लेंगे ना, तो हमारा परफेक्ट सेटअप बनता है ट्रेडिंग का। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बेसिकली मार्केट के सेंटीमेंट, ठीक है, मार्केट के सेंटीमेंट को दिखाता है। कैसे, मैं के लिए बताता हूं। देखो हर एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी कैंडल को आप देखते हो, उस कैंडल के ऊपर सेंटीमेंट होता है। अगर आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता करना है तो आप चार्ट के ऊपर कैंडल पैटर्न को देखोगे, क्योंकि 5 मिनट का, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 1 डे जो भी कैंडल आप देख रहे हो ना, उस कैंडल पर आपको सेंटीमेंट दिखता है कि मार्केट में लोगों का सेंटीमेंट क्या है। याद रखिएगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। तो आप अगर चार्ट के ऊपर सिर्फ मॉर्निंग स्टार पैटर्न को आप डेली फाइंड कर लोगे ना, तो आप मंथली अच्छा अर्निंग कर सकते हो, विश्वास दिलाता हूं। बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए समझते हैं डिटेल्स में कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या है। दोस्तों सबसे पहले मॉर्निंग स्टार पैटर्न का डिटेल्स समझते हैं कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे लाइव चार्ट पर। ध्यान से देखिएगा, देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। याद रखिएगा, 1 कैंडल नहीं, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स दर्शाता है, ठीक है, जिसमें पहला जो कैंडल होता है वो रेड होता है, यानी कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसमें पहला कैंडल हमेशा रेड होना चाहिए, अब वो जितना बड़ा हो, छोटा बड़ा, जो भी साइज जो भी हो, रेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो कैंडल होगा, दूसरा आपका, वो स्मॉल कैंडल होगा, मतलब छोटी, उसकी विक भी छोटी, उसका बॉडी भी छोटा, ठीक है। अब ये रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, जो दूसरा कैंडल होगा। पहला तो रेड होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, दूसरा जो है वो रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा होगा, ठीक है। पहला से हमें क्या इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे बायर्स का दबदबा है, बाइंग हो, सॉरी सेलर्स का दबदबा है, रेड कैंडल है, सेलर्स का दबदबा है, यानी कि सेलर्स यहाँ पे हावी हैं, ठीक है। दूसरा कैंडल जैसे ही बना, स्मॉल कैंडल बना, अब वो रेड बना या ग्रीन बना, तो वहां पे हमें दूसरा इंडिकेशन क्या मिलेगा कि यहां पर जो ट्रेंड है हो सकता है थम जाए, क्योंकि कैंडल छोटी बनी, विक भी छोटी है। अब रेड बना या ग्रीन बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड बना तो भी हमारे दिमाग में या सेंटिमेंट जो है लोगों का वो क्या होगा कि अब रेड कैंडल बना है लेकिन छोटा बना है, और छोटा बनने के बाद क्या है कि यहाँ पे अब जो बेरिश ट्रेंड है वो में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कॉम्बिनेशन। थर्ड जो कैंडल है, थर्ड वो ग्रीन होती है, यानी कि ग्रीन होना चाहिए जो आपको फर्स्ट जो आपका कैंडल है उसके ऊपर का क्लोजिंग मिलना चाहिए, ठीक है, जो आपका फर्स्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरा ये रेड कैंडल एक है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, ओके, ये रेड कैंडल है। अब ये हमारा बेरिश ट्रेंड है, यहाँ पे सेलर्स हावी हैं, ठीक है, ये मेरा बेरिश ट्रेंड है, मार्केट में चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट बेरिश ट्रेंड आया, लेकिन हम वेट कर रहे हैं मार्केट रिवर्सल का, जहां पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो वहां पर हमारा रेड कैंडल तो बन गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब दूसरा जो कैंडल बनेगा ये यहां पर बन जाएगा, अब इसको लेकिन छोटा बनाना होगा। अब ये रेड हो या ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ये इतना बड़ा है तो ये यहां पे छोटा बन जाना चाहिए, ठीक है, छोटा। अब जो है इस छोटा जैसे बना, हमारा क्या होगा, सेंटीमेंट बदल जाएगा कि नहीं अब यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन जो तीसरा कैंडल है हमारा, 3 कॉम्बिनेशन का जो मॉर्निंग स्टार में तीसरा जो कैंडल है, ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा जो है वो यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये मेरा दूसरा, तीसरा जो बनेगा
वो इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए, ठीक है। यहां से मान लो गया और यहाँ पे ये जो है इस, ये जो आपका क्लोजिंग है इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए, तब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, मॉर्निंग स्टार। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि अब यहाँ पे बायर्स हावी हो गया है। तो हमारा जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होगा हमारा यहाँ पे एंट्री होगा रिवर्सल का, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी देखो, जब डाउन ट्रेंड होता है तब सेलर्स डोमिनेट करते हैं, ये तो आपको पता, हमको पता, सबको पता कि डाउन ट्रेंड में सेलर्स डोमिनेट करता है, दबदबा रखता है। लेकिन जब एक स्मॉल कैंडल फॉर्म होती है ना, तो इसका मतलब होता क्या है कि सेलर्स अब थक चुके, यानी सेलर्स अब सेल करने से मतलब पीछे भाग रहे हैं, अब उनको सेल करने का मन नहीं। अब सेलर्स जब थक चुके हैं तो क्या होगा, बायर्स के पास चांस होता है मार्केट को अपने हाथ में लेने का। तो इसलिए जैसे ही तीसरी ग्रीन कैंडल कंफर्म होती है कि बायर्स अब लीड ले रहे हैं, एंट्री बनता है और वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है। उसका जो लास्ट और तीसरा जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट कैंडल में ही एंट्री लेना चाहिए और हमेशा स्टॉप लॉस को लगा के रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा, एक बार मॉर्निंग स्टार के बाद प्राइस रिवर्स होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने ट्रेड लिया है और प्राइस नीचे जाने लगा तो बिना देर किए अपना स्टॉप लॉस को जरूर हिट कराइएगा, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखिए, छोटी छोटी बातों को याद रखिए। आई होप आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स के बारे में जानकारी हो गई कि ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है, कब हमें एंट्री बनाना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फ्रेश डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सैमको अप स्टॉक्स दोनों का लिंक है, दोनों में फ्री है, दोनों वर्ल्ड लेवल का है, ग्रेट लेवल का है। तो आप कहीं भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और लर्निंग का। अभी दीजिए अपने भाई को इजाजत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।